हाँ रिकॉर्डिंग ऑन हो गई यार। देखो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कोई भी डिसीजन कैसे लेता है और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वर्क with the help of data, with the help of information. कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम प्रीवियस डेटा देखते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हैं, उसके बाद हम कोई डिसीजन लेते हैं। कुछ भी, चाहे बिजनेस का हो, एग्जाम का आप लोग जब एग्जाम देने जाते हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हो कि नहीं, किस टाइप का क्वेश्चन आने का संभावना है। इलेक्शन में भी देखते हैं तो इलेक्शन बड़ी बड़ी कंपनियां करवाती है इलेक्शन, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी। अब जान लो इलेक्शन में सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट को इनकम होता है इलेक्शन। हाँ सर, इलेक्शन में जितने एग्जाम में पास होने की संभावना है जो देगा वही पास। तो डिसीजन कैसे लेते हैं? हाँ ऋषि सर, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो कोई भी डिसीजन हम लेते हैं, चॉइस ऑफ सिलेक्शन के आपके पास 5 ऑप्शन है 6 ऑप्शन है 7 ऑप्शन है। जैसे आप 12 पास करके आए, आपके पास ऑप्शन होगा इंजीनियरिंग भी करने का, बीसीए भी, बीबीए भी, मल्टीपल कोर्स, मीडिया कम्युनिकेशन भी, होटल मैनेजमेंट भी, काफी सारे कोर्सेज आपके पास ऑप्शन के रूप में होंगे। आप उसी ऑप्शंस में जो राइट सिलेक्शन आपको लगा होगा कि ये कोर्स हमारे लिए फिट है, तो आपने डेटा, आपके पास डेटा था तब ने लिया। फिर कॉलेज चूज करने की बात आती है तो सोचते फीस कैसे होगी, तो फीस भी देखते हैं। तो whatever we are taking decision on the basis of selection, choice of selection. आपका choice of selection, we are taking any decision on the basis of choice of selection. सुन लो, the choice of selection criteria vary from प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। आपका जो चॉइस ऑफ सिलेक्शन है, इधर अविनाश पांडे तुम आगे आ जाओ, हम आगे ले आएंगे जबरदस्ती के। तो चॉइस ऑफ सिलेक्शन क्या करता है? 49 आपको इधर ध्यान दो। आप कोई भी सिलेक्शन करते हो किसी भी प्रॉब्लम का, तो चॉइस ऑफ सिलेक्शन। जैसे आपका एग्जाम सेंटर, आप IIT का एग्जाम देने जा रहे हो, तो चॉइस ऑफ सिलेक्शन आप क्या चाहोगे जो हमारे घर के नजदीक हो या जहां आपको जाने में सुविधा हो। जैसे एग्जाम सेंटर के तौर पे, स्कूल के तौर पे, जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे का स्कूल नियर बाय हो, जहाँ बच्चा कभी पैदल भी चला या पेरेंट्स जाके ले आए। तो हर चीज में चॉइस ऑफ सिलेक्शन होता है। आपके पास डेटा बहुत होता है, उसके बाद एक्यूरेट डेटा निकालना, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन निकालना है, दैट इज कॉल्ड चॉइस ऑफ सिलेक्शन। तो कोई भी डिसीजन विदाउट चॉइस ऑफ सिलेक्शन से आप नहीं ले सकते। हाँ, अनस्ट्रक्चर्ड है, किसी की तबीयत अचानक खराब हुई तो यू हैव टू मूव, वहां फिर आप डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होते। मान लीजिए कोई आदमी जा रहा है, किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया, तो क्या वो देखेगा कि पटना में हम आएंगे और अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे? जो भी रोड पे अच्छा हॉस्पिटल रहता है, बल्कि वो साधारण डॉक्टर है, आरएमपी है, खर्ची डॉक्टर है, फिर भी उसके पास दिखा के सबसे हम पट्टी करवा लेंगे, तब उसको लेके मूव करेंगे पटना के लिए। क्या गलत बोल रहा हूँ? वहाँ चॉइस ऑफ सिलेक्शन आपके पास नहीं होता है। कोई डिसीजन लेना है क्योंकि कोई चारा आपके पास नहीं है। The decision support system helps in, देखो कोई डिसीजन जैसे तत्काल टिकट रेलवे का है, क्या है quick decision. I have to go to Patna, I have to go to Delhi, I have to go to Bombay. तो quick लेते हैं ना भाई, आपको quick सीट चाहिए। आप प्लानिंग करके छठ में घर जा रहे 2 महीना पहले टिकट ले अचानक क्या 24 आवर बिफोर, तो क्या एक दिन कर सकते हैं? ये सब जानता होगा वो पूरा। तो सर ये नहीं कर रहा है, जानता है करने का जॉब में जब उसका बॉस निकालेगा नाटक जॉब वाला करना, जॉब वाला बॉस। अब सुनो, the decision support system helps in, ध्यान देना, helps in making a decision and also in its performance evaluation. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी करते हैं। सुनो, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे होता है? हाउ वी मेजर द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। मैं एग्जांपल दे रहा हूं बीबीए की जीएसटी का कलेक्शन अक्टूबर मंथ का पूरे साल में मार्च से लेके अब तक सबसे हाईएस्ट गया। जीएसटी कलेक्शन ऑफ इंडिया वाज इन हाईएस्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। मतलब ये 30 महीने का पीछे का रिकॉर्ड देखा है, सबसे हाईएस्ट गया। मतलब मार्केट इज गोइंग टू सस्टेन नाउ। मार्केट अब कोरोना काल से सस्टेनिंग की ओर बढ़ रहा है। ये निकला परफॉर्मेंस। आज बीबीए के बच्चों ने कहीं बैठे, बीबीए बच्चों मान ली 86 बच्चे इसके बैठे और मान ली 40 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो ये निकाला जाएगा कि बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, बच्चों के पास नॉलेज है, तब हो गया। तो चाहेगा मालिक नहीं करवा सकता। अगर बच्चों में सब्सटेंस नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो कोई नहीं करवा सकता, करवा देगा। बच्चों में नॉलेज है, सब्सटेंस है, एवोल्यूशन है। तो उनका हो जाएगा, ठीक है। तो एवोल्यूशन, आप लोग का एवोल्यूशन कैसे होता है? आपका एग्जाम क्यों किया जाता है? आपको एवोल्यूट किया जाता है। आपको एग्जाम करने का क्या मकसद? सब बच्चा को नॉलेज थोड़ा बहुत होता है। जो टॉप 75 व्यक्ति है उसको कुछ तो ज्यादा नॉलेज है। जो 40 से कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसको 60% आया, किसी को 80% आया। हो सकता है उसका नॉलेज ज्यादा हो सकता है उसकी राइटिंग स्किल बहुत शानदार हो। एग्जाम पूरा डिसाइड कर सकता है। बहुत बच्चे का राइटिंग बहुत अच्छा होता है, राइटिंग का आधार पर नंबर आ जाता है। बहुत राइटिंग बहुत अगर सुंदर है, डिसाइड नहीं करता है। आप किसी को टैलेंट का पूरा नहीं कर सकते, इवैल्यूएट कर सकते कि हाँ लीजिए गुड। मान लीजिए, सुन लो पहली बात, सुबह एग्जाम में बच्चे की रात में तबियत खराब हो गई तो उसका परफॉर्मेंस तो डिग्रेड कर ही जाएगा। उसको बुखार आ गया, उसकी तबियत खराब हो गई। बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है बट रात को उसकी तबियत खराब हो गई, एग्जाम देने जा रहा है, ऑटो से गिर गया, चोट लग गया पैर पे, होता है लाइफ। एग्जाम में डिसाइड करेगा तो वहां पे परफॉर्मेंस आपका क्लियर नहीं आता। इसलिए कंपटीशन एग्जाम क्यों किया जाता है? कंपटीशन एग्जाम में आप ठीक है बुक्स को पढ़ के एग्जाम पास कर जाओगे, इस पर 86 में लगभग बच्चा पास कर जाएगा। लेकिन जब आपका वहां पर कंपटीशन में तो और मार्क्स सीट होता है, वहां पर रैंकिंग थोड़ी ना मैटर। तो वहां क्या है, वहां का नॉलेज मैटर करता है। अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है, अच्छा नॉलेज है तो आप निकल सकते हैं। अच्छा, यहीं से बच्चा कुछ बच्चा आईएम कंप्लीट करेगा, जो पढ़ने वाला होगा, सब बच्चा नहीं कर पाएगा। सर यहाँ तो कम्पनी एग्जाम देती है। अगर आप तुम लोग यहाँ से पढ़ के निकले और आईएम से पढ़ के निकले, किसकी वैल्यू हो सकती है? आईएम ब्रांड चिपक गया आपके पीछे। वो तो अलग चीज है, पर्सनल होता है, वो अलग चीज है। तो सर उसके बारे में कुछ बता दीजिए ना, प्रोसेस कैसा होगा उसके बाद में। पहले तो इसको सुन लो। तो क्या हुआ, इवैल्यूएशन क्या है? कंपनी आज क्या है, सुनो, आईआईएम में सिलेक्शन क्या है? साधारण वर्गों का तुम्हें होगा, पूछ रहा है उनका क्या खराब है, अब बेचारा मुखिया का मुखिया क्या है, हम बोल रहे हैं तो मैं हायर पर खड़ा कर रहा हूं। तो सुनो, डिसीजन मेकिंग क्या है? एक इवोल्यूशन प्रोसेस भी है। डिसीजन मेकिंग इज चॉइस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग इज इवोल्यूशन प्रोसेस। दो प्रोसेस है। और डिसीजन लेते हम कैसे हैं, एमआईएस कैसे मदद करता है? क्योंकि एमआईएस के पास सारा डेटा होता है, सारा इंफॉर्मेशन होता है। उस इंफॉर्मेशन उस डेटा को हम लोग कंक्लूड करते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते, वी आर कंक्लूडिंग, वी आर कंक्लूडिंग द डेटा। उसके बाद ही हम रॉ फैक्ट्स, रॉ फिगर्स, रॉ इंफॉर्मेशन, रॉ निकल के आता है। ऐसे नहीं कि बिना आप डेटा पे काम किए हुए, डेटा एनालिस्ट का बहुत सारा जॉब बीबीए करके लोग करते हैं, जिसका पैकेज होता है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख का। केवल डेटा एनालिस्ट करते हैं, बीबीए एमबीए के बच्चे करते हैं 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख, जो बहुत अच्छे बच्चे हो गए पैकेज एनुअली। हाँ, तो मिलता है कि आपके पास डेटा तो खूब सारा है, आपके पास डेटा तो खूब सारा। गूगल में क्या आप कुछ लिखते हो गूगल में, आप गूगल में लिखते हो, सारा डेटा है, लेकिन यू आर क्या गूगल का सारा डेटा आप लिख लेते हो क्या? तो एक्चुअल डेटा, एक्चुअल इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग दैट थिंग्स ओनली, सेलेक्टेड थिंग्स। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करता है? चॉइस ऑफ सिलेक्शन, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इवोल्यूशन ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम का मतलब स्टूडेंट का इवोल्यूशन करना हो, एम्प्लॉय का करना हो, कंप्यूटर का करना हो। इवोल्यूशन ऑफ ए परफॉर्मेंस ऑल्सो। परफॉर्मेंस का मतलब हर चीज का परफॉर्मेंस चेक करना। अब सुनो, समझ में आ रहा है कि बात? द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम रेफर्स टू ए क्लास ऑफ सिस्टम विच सपोर्ट इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग and does not always be the decision itself. Itself भी decision नहीं होता, decision itself नहीं होता। decision itself कहाँ से होता है? on the basis of data, on the basis of information, इसी आधार पे होता है ना। yes sir। तो डेटा आपका कैसा है? डेटा कितने प्रकार का होता है? हमने क्लास में बताया है। डेटा आर ऑफ मेनी टाइप्स, homogeneous types of data, heterogeneous types of data, similar types of data, dissimilar types of data। जैसे मैंने किया कि हमने कंप्यूटर पे इमेज निकाला, कंप्यूटर पे इमेज निकाला, लैपटॉप पे केवल कंप्यूटर का इमेज चाहिए। सुन लो, लैपटॉप पे हमने निकाला कि महात्मा गांधी का इमेज, हमने गूगल से मांगा कि महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी का इमेज लाके दीजिए। तो लैपटॉप में गूगल में सारे इमेज आ जाएगा महात्मा गांधी का। तो सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा हुआ कि डिसिमिलर, सिमिलर, एक प्रकार का डेटा, अनेक प्रकार का डेटा। द नेचर ऑफ द डिसीजन इज सच दैट द डिसीजन मेकर्स नीड ए वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन सेम और सिमिलर टाइप्स ऑफ डिसीजंस आर टू बी मेड। हम कोई इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट करते हैं तो वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। वेराइटी का मतलब उसमें डेटा, इंफॉर्मेशन और डेटा भी चाहिए, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन भी चाहिए, इमेजेस भी चाहिए, न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन भी चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन भी चाहिए, ग्राफिक्स भी चाहिए, एनिमेशन भी चाहिए, वीडियो भी चाहिए, ऑडियो भी चाहिए। जैसे सुन लो इधर, एक ऑडियो अगर हमने बजा के अमिताभ बच्चन की आवाज किया, सारे सब लोग समझ जाएंगे। इंफॉर्मेशन है कि नहीं? आप कितने भी बड़े आदमी हो जाओ, अपने पापा मम्मी की आवाज भूल पाओगे क्या? तो आपके इंफॉर्मेशन है ना, दैट इज इंफॉर्मेशन फॉर यू। क्या गलत बोला? वीडियो, कुछ वीडियो देख के आप देख सकते हैं, हमने भारत आजाद हुआ ना हम थे ना तुम थे, लेकिन पुराने पिक्स को देख के लगता है कि नेहरू जी ऐसे, इंदिरा जी ऐसे। इंफॉर्मेशन है कि हम नई पीढ़ी भी हुई देखेगी, हमारे बाप वाली पीढ़ी भी हुई देखेगी, पंडित नेहरू ऐसे थे, गांधी जी ऐसे थे, इंदिरा जी ऐसी थी, एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे थे। तो कैसे वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला? उनके पिक्स से। हमारे बच्चे आपको देखते बोलेंगे तो ये कारण है। इंफॉर्मेशन ऑडियो भी बहुत बड़ा तरीका है इंफॉर्मेशन गेटर करने का, इमेजेस भी है, सुनो, ग्राफिक्स भी है, एनिमेशन भी है। एनिमेशन में आज जैसे बहुत लोग देखते हैं मोटू पतलू सीरियल, क्या एनिमेशन है? सुहान है सर, छोटा भीम का वाला था, छोटा भीम, इंस्पेक्टर चिंगम है कि नहीं? तो क्या है आज कोई भी बच्चा के सामने टीवी उल्टा करके रख दो चलने लगे कार्टून समझ जाएगा कौन बोल रहा है। छोटा बच्चा समझ जाता है 4 साल 5 साल 6 साल का, बड़ा को तो छोड़ दीजिए क्या है लड्डू बोल रहा है, बट बच्चा समझ जाएगा ये तो कृष्णा है, ये तो भीमा है, बच्चा समझ जाता है। बच्चा जब उठने छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर लेता है बच्चा, आजकल छोटा बच्चा उसको समझता 3 बजे ये कार्टून आएगा, 3:30 में ये आएगा, 4 बजे ये आएगा, तो पता है सारा। तो छोटा बच्चा कैप्चर कर लेता है डिसीजन में अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन का क्या डिपार्टमेंट है। जब तक इंफॉर्मेशन नहीं आएगा कुछ नहीं, लोग गलत सलाह थोप के बैठ जाएगा। और जब आप बिजनेस के लिए डिसीजन लेने जा रहे हो, बिजनेस का मतलब आज रिलायंस कंपनी है, टाटा है, टीसीएस है, आज कंपनियां गाड़ी लॉन्च करती है, दीपावली पे लॉन्च शो करती है, तो भी कर लेती है जनवरी महीने में, फरवरी महीने में, दिसंबर महीने में, क्यों नहीं करती? क्योंकि जानते हो फेस्टिव सीजन है, लोग खरीदेंगे, लोग खरीदेंगे और उसमें ऑफर भी मिलता है। जैसे बिग बिलियन डे आता है, कंपनी डिसीजन बनती है, तब ऐसे थोड़ी बिग बिलियन डे आ जाता है कि HDFC पे 5%, ICICI बैंक के कार्ड पे 6%, दिवाली क्या है, दिवाली धमाका है, वो क्या है, वो क्या है, बैंक को भी बिजनेस मिल जाता है। बहुत कम दिनों में बहुत बड़ा बिजनेस बैंक को मिल जाता है, 10 दिन 15 दिन के अंदर बैंक बहुत बड़ा बिजनेस कर लेती है। तो क्या बिना प्लानिंग के हो जाता क्या है? बिना प्लानिंग के अगर होगा तो कंपनी विल गेट इन बिग लॉस। टाइप्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन टाइप्स क्या क्या है? There are various types of decision support systems such as a status inquiry system, data analysis system, information analysis system, accounting system, model based system. Model based system, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे स्टेटस इंक्वायरी सिस्टम क्या होगा। स्टेटस इंक्वायरी सिस्टम द नंबर ऑफ डिसीजंस इन द ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड सम एट द मिडिल मैनेजमेंट आर सच दैट दे आर बेस्ड ऑन वन और टू एस्पेक्ट्स ऑफ ए डिसीजन मेकिंग सिचुएशन. It does not call for any elaborate computations, analysis, choice, etc. for decision making. If the status is known, the decision is automatic. That is the status and solution in unique relation. जैसे इसमें options नहीं है, इसमें options नहीं है। Status क्या है? इसमें options नहीं है। जैसे हमें कहीं जाना है, हमें कहीं जाना है, जैसे हमें पता है कि हमने एक खाना है, तो ठीक है, it's okay. जहाँ चॉइस का मतलब नहीं है, जैसे बच्चा टर्न किया ये बीबीए ही करेगा, नहीं नहीं, जैसे बच्चा जैसे टर्न पास किया कहा कि बीबीए करने से नहीं, बहुत बच्चा कि हाँ यही करना ही है, इसके अलावा तो फिर ये क्या हुआ, जहाँ ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, हमें ये करना है बस, ऑप्शन नहीं, जहाँ 1-2 स्टेप लिए कि हमें बस, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, स्टेटस, स्टेटस के हिसाब से काम करना, स्टेटस के हिसाब से काम करना, मौके के हिसाब से काम करना। सेकंड है डेटा एनालिसिस सिस्टम। डेटा एनालिसिस सिस्टम का सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है बता दो? शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, बैंकिंग मार्केट, बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, रेलवे, ये सब में क्या होता है, ये सब होता डेटा एनालिसिस सिस्टम। ये डेटा एनालिसिस सिस्टम हम करते कंपैरिजन करते, क्या करते कंपैरिजन करते कि हाँ बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जान लो आज तुम लोग जानते हो कि हर 3 मंथ के बाद बैंक का हर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज होता है, हर इंटरेस्ट सरकार उसको बढ़ाए चाहे ना बढ़ाए, लेकिन उसके लिए मीटिंग आफ्टर 3 मंथ होती है कि जैसे कोई सा भी योजना में पैसा बढ़ेगा या कमेगा, लेकिन हर 3 मंथ पे ये रूल है। इस ये रूल आफ्टर 3 मंथ मीटिंग होगी और उसके हिसाब से फिर मैनेज होगा। तो डेटा एनालिसिस कहाँ करते हैं? जहाँ कैश फ्लो है, स्टॉक मार्केट है, बैंकिंग है, रेलवे है, इंश्योरेंस सेक्टर है, जहाँ भी फाइनेंशियल आया, जहाँ भी फाइनेंस इंटर किया, वहाँ क्या हो गया? डेटा एनालिसिस सिस्टम। थर्ड है इंफॉर्मेशन एनालिसिस सिस्टम। इंफॉर्मेशन का मतलब जो डिसीजन हम लोग एनालिसिस के आधार पे इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस। सुनो, कोई भी डिसीजन हम किसके आधार पे लेंगे? इंफॉर्मेशन और डेटा में क्या अंतर होता है? कौन बताएगा? तुम बताओ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन? डेटा क्या होता है? डेटा क्या? इमेज जो मान लीजिए गांधी जी का इमेज है या किसी का, तो डेटा नहीं क्या? वो भी डेटा है। अच्छा नहीं, जब तक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो डेटा डेटा इंफॉर्मेशन। आप बताइए, आपका नाम क्या? पहली बार आपको देख रहे, पहली बार हम है ना, गलत सही। माउस पर आपका नाम क्या है? अभिषेक आप कहीं तक आप नहीं आ रहे थे, कहीं बाहर से? क्या पढ़ता है? इसको बोलने तुम कब? बताओ कहाँ थे आप? इंफॉर्मेशन एनालिसिस सिस्टम। इंफॉर्मेशन के आधार पे एनालिसिस करना, इंफॉर्मेशन के आधार पे एनालिसिस करना। जैसे इंफॉर्मेशन के आधार पे एनालिसिस करना, जैसे इंडियन सरकार सुनो, भारत सरकार आफ्टर 10 इयर्स पॉपुलेशन काउंट करवाती है इंडिया का। उसे क्या फायदा है? क्या फायदा होता है कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले कि भारत के इतने लोग को हम ऑक्यूपाई कर सके, पानी दे सके, सैनिटाइजेशन दे सके। जनगणना ना होता है, ये जनगणना होता है यार। 10 साल पॉपुलेशन काउंटिंग आफ्टर 10 इयर्स होता है। उसका फायदा क्या है कि हमारे एक्चुअल स्टेट मिल जाता है गवर्नमेंट। उसी के लिए सरकार चाहिए। तो क्या हुआ फिर? उससे क्या हुआ? क्या देश के हेल्थ सिस्टम को सुधारने का मौका, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का मौका। जैसे हमको पता हुआ कि 12 में भारत से लगभग 80 लाख बच्चे 12 कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट सोचेगी कि हम कितने IIT को बढ़ा सकें, या कितने IIM को बढ़ा सकें, या कितने MBBS कॉलेज को बढ़ा सकें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा को पढ़ने में सुविधा मिले। उसी आधार पर हम बता सकते हैं कि 80 लाख बच्चे पास किए, कितने लोगों को पॉलिटेक्निक बना सके, कितने लोगों को प्रोफेशनल कॉलेज बना सके, ना मेडिकल कॉलेज। अगर वो डेटा हमारे पास नहीं आएगा तो हम कैसे कर लेंगे? नहीं होगा। और तो इसीलिए लोग कहते हैं कि जनसंख्या ऐसे ही काउंटिंग हो रहा है, लेकिन उसका बहुत दूर तक इम्पैक्ट है। किस गांव का कितना पॉपुलेशन वो पेपर पे आ जाता है, वो लैपटॉप पे आ जाता है कि मान लीजिए पटना शहर है, इसमें कितने विलेज हैं, कितने विलेज इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, कितने विलेज रोड से कनेक्टेड है। सरकारी फिर इंफॉर्मेशन जब वहाँ पास सरकार के पास पहुँचती है, फिर उसके हिसाब से प्लानिंग बनना शुरू हो जाता है। इसलिए तो सरकार ने बनाया हम तो हमारे वो भी मान रहा है। तो इंफॉर्मेशन एनालिसिस सिस्टम क्या है कि इंफॉर्मेशन के आधार पे डिसीजन को लेना। बस आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको कैलकुलेट करके डिसीजन लेना। तो पहले इन दिस सिस्टम द डेटा इज एनालाइज्ड। यस सर, हां इन दिस सिस्टम इंफॉर्मेशन सुनो, इन दिस सिस्टम the data is analyzed and information reports are generated. The report might be having exceptions as a feature. The decision makers use these reports for assessment of the situation. Assessment of the situation for decision making. The sales analysis, the account receivable systems, the market research analysis. ये सब क्या है? MRP systems are example of दिस सिस्टम। आपको मैंने बताया कि आपको कितनी कार किस महीने में लानी है, उसकी प्राइस क्या होगी। उसका आपको लगता है कि जैसे त्योहार आता है तो दूध की स्कार्सिटी हो जाती है मार्केट में, क्यों? दूध की कीमत बढ़ जाती है। मतलब सर ज्यादा नेक्स्ट हो गया अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्या हो गया? अकाउंटिंग सिस्टम। दिस सिस्टम्स आर नॉट नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग सिस्टम क्या हो गया? जो हम लोग लैपटॉप पे डिसीजन ले रहे हैं। सुन लो जरा, पहले बात बता देना ऋषि कुमार। चुनाव किस अनुच्छेद में होता है? जब करेंगे अभी गांव में सरकार में तो मुखिया का चुनाव इसके पापा भी कर रहा है विधान विभाग। सुन लोग पढ़ाई का बेलन करते रहना। अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता? अकाउंटिंग सिस्टम मतलब अकाउंट, कॉलेज का अकाउंट अपना, बैंक का अकाउंट, बैंक की ऑडिटिंग होती है, पता है, रेलवे की अकाउंटिंग होती है कि कितना हमें साल में आया, कितने पैसेंजर चढ़े, कितने लोग रिजर्वेशन किए, कितने लोग जनरल गए, सबका टिकट है, एक एक आदमी का टिकट है सरकार के पास कि कितने रेलवे ने जनरल टिकट बेचा, कितना स्लीपर बेचा, कितना थर्ड एसी बेचा, कितना सेकेंड एसी बेचा, कितना फर्स्ट एसी बेचा, कितना शेयर कार बेचा। सरकार के पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि टिकट का बता देगा कि ये आदमी कहाँ चढ़ा कहाँ उतरा टिकट के हिसाब से। आगे चला जाए उसको मतलब जहाँ तक टिकट होगा मैंने बताया सर। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम करती है सर, एक एक डाटा बताता है सर, जैसे सीट खाली क्यों रहा तुरंत बता देगा सर, कैसे सर वेटिंग वाले रेटिंग में भी दिखा देता है इतना सीट रेटिंग है। तो क्या अकाउंटिंग सिस्टम है रेलवे का जो हर साल होता है? सुनो अकाउंटिंग सिस्टम चुप हो जाओ। Accounting system. These systems are not necessary for decision making, but they are desirable to keep track of the major aspects of the business or a function. Business को control करने का मतलब है business का flow analysis control करना, sales का control करना, accounting मतलब सारा transaction को करना। आप आज बैंक में कोई आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, पैसा कट गया, प्रोडक्ट नहीं आया, ट्रांजैक्शन में कभी ऐसा होता होगा? जैसे रेलवे का टिकट बनवाया, पैसा कट गया, टिकट नहीं बना, मोबाइल से आया पैसा एक सप्ताह के बाद रिफंड हो जाता है। नेक्स्ट है मॉडर्न टेक्स्ट सिस्टम। सुनो जरा, these systems are simulated models or optimization models for decision making. These decisions generally are one time and infrequent and provide general guidelines for operation or management. The product mix decision, the material mix, the job scheduling rules, and the resource or asset or facility planning system are the example. कोई resource की planning जब हम करते हैं, resource का मतलब आपका लैपटॉप भी एक resource है, आपका हार्डवेयर भी एक रिसोर्स है। कोई सी प्लानिंग आप करने जा रहे हैं, एग्जाम की तैयारी भी करने जा रहे हैं, तो आपके पास नोट्स चाहिए, ठीक है? पढ़ते हैं, कर देना काम अपना। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन बच्चों? ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम आप लोग को? नो सर। कौन बोला अभी? ठीक है, क्लास एंड कर रहा हूँ फिर, है ओके? यस सर, यस। ऋतिक वगैरह नहीं आया? ऋतिक, माही, अनिशा तो दिख रही है और परफेक्ट।